मैं मैंने सूट भेजती हूँ, आप ये सूट की क्वालिटी देखती हुआ कपड़े की, और ये जो आप डिजाइन देख रही है इस पे, ये हैंडमेड है, और सबसे अच्छी चीज है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। नहीं चाहिए मैम, एक बार आप सूट ट्राई तो करके देखिए, नहीं पसंद है आप मुझे वापस कर दिए। अरे इतने सारे सूट पड़े, नहीं चाहिए, आप जाइए प्लीज। सर मैं ये हैंडमेड सूट लाई थी आपकी दुकान में, मैं देख रही हूँ पहले से काफी सारे सूटों की वेराइटी है, बट एक बार आप ये अपनी दुकान में रख के देखिए, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ये सूट खूब बिकेंगे, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। अरे मैडम बिकेंगे तब तो जब कस्टमर आएंगे, नहीं चाहिए ले जाइए। क्या हो गया? मेरे से नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे भी जाते हो सब सूट लेने से मना कर देते हैं, कभी कभी तो लगता है कि गलती हो गई। अच्छी खासी हाउसवाइफ थी मैं, पता नहीं क्यों सोचा मैंने कि मैं अपना काम करूंगी, थक गए हो मैं। अच्छा क्या हो गया? कई बार चीजों को टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि तुमने आज काम स्टार्ट किया तो कल से वो प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। अब जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो ऐसा थोड़ा ना हुआ था कि अगले दिन से ही काम चल गया, 3 साल लग गए थे, बस लगी रहो। जो लोग आज मना कर रहे हैं ना सूट लेने से, कल को वही लेंगे, देख लेना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बोलो ओ मैडम इधर आना, आप ही को इधर आओ। यार मेरे यहाँ सूट खत्म हो गया, जो सूट सप्लाई करता है ना मेरा लड़का, वो आ नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। तो आप उस दिन बता रही थी ना कि आप बैग में 20-25 सूट रखती हो, हाँ अभी है तो रखवा दो। हाँ जी हो जाएंगे, और हाँ पैसे का हिसाब ना बिकने के बाद मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूट रखवा देती हूँ। ठीक है जी रखवाओ। भैया वो हैंडमेड सूट नहीं है क्या? अरे बहन जी वो तो 20-25 मंगाए थे, बिक गए। बिक गए तो एक काम करो ना, अभी तो वो है नहीं तो ये ले जाओ। नहीं नहीं भैया मुझे वही चाहिए था, वो है तो बताओ। अच्छा ठीक है, तो आप ना 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं मंगवा देता हूँ। ठीक है भैया जल्दी मंगवा दो, पर मुझे वही चाहिए। ठीक है। अर्नव इधर आइए भैया। यार वो उस दिन लड़की नहीं आई थी अपना सूट बेचने के लिए, वो हैंडमेड वाला था। हाँ हाँ, उसका मेरे पास नंबर उमर है नहीं यार, और उसके सूट का ना डिमांड हुए जा रहा है। हाँ वो अपने सूट के साथ कार्ड देके गई थी। अच्छा लेकर आ लेकर आ लेकर आ, ये लो। हेलो जी कही। हाँ जी आ गई आप, आपके लिए खुशखबरी है, 200 सूट का ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, वो भी जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा आपको 1 सप्ताह के अंदर। जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, और हाँ ये कुछ एडवांस रखिए आप। थैंक यू। और हाँ सुनिए, आपको पता है ये 200 सूट का ऑर्डर क्यों मिला आपको? आपके जैसे ना रोज सेल्समैन आते हैं मेरे यहाँ, उनमें और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, उनको एक बार मना कर देता हूँ ना तो वो मार्केट में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप लगी रहे, और सफलता का पहला सीढ़ी होता है लगे रहना, ऐसे ही लगे रहिएगा आप। ये 200 से आप 2000 पे कब पहुंच जाएंगी ये भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? और जल्दी से जल्दी ऑर्डर डिलीवर करवाइए आप। जी बिल्कुल। ठीक है बस फिर उसके बाद मेरे पास ऑर्डर ही ऑर्डर आने लग गए, लाइफ एकदम से चेंज हो गई। सोचा नहीं था कि घर से काम शुरू करके यहाँ तक आ जाऊंगी। आसान नहीं था, इस दौरान मैंने ये सीखा कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो आपको उस काम के पीछे लग जाना है जब तक वो आपको मिल ना जाए। जैसे मैं जब दुकानों पे जाती थी तो कहते थे नहीं देना है ऑर्डर मत आना, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं लगी रही। सक्सेस पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि यही सक्सेस का पाथ है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और कई बार ना आपको सक्सेस पाने के लिए किसी के साथ की, किसी के सुझाव की जरूरत जरूर पड़ती है। और मेरी लाइफ में वो हमेशा मेरे पति रहे हैं। मुझे जब जब लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने मुझे बताया कि मुझमें क्या काबिलियत है। और मैं तो आप सब लोगों को भी यही बोलना चाहूंगी कि
अगर आपका पार्टनर कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए।